हेलो फ्रेंड्स, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। और अब जो बात करेंगे वो थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल है, और जितना कंसंट्रेटेड रहोगे बेटर है। हम लोग बात कर रहे हैं वही फिक्स ओवरहेड वेरिएंस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको याद होगा हम लोगों ने लेबर कॉस्ट में हम लोगों ने एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट किया था। लेबर कॉस्ट के अंदर हम लोग एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट किया था वर्कर्स को बोनस सिस्टम के लिए। तो एफिशिएंसी रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक वर्कर का एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लोग लें। जैसे सपोज आपको बोलते हैं कि टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 10 यूनिट इज 3 आवर्स। टाइम अलाउड ये अपने लिए क्या हो गया, स्टैंडर्ड आवर्स हो गया, और ये अपने लिए क्या हो गया, टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 10 यूनिट इज 3 आवर्स। तो ये जो 3 आवर्स हैं वो आपके लिए स्टैंडर्ड आवर्स हैं, और ये जो 10 यूनिट्स हैं वो क्या स्टैंडर्ड आउटपुट है। तो हम लोग 3 आवर्स को क्या बोलते हैं, हम लोग 3 आवर्स को बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। और ये जो 10 यूनिट है वो क्या स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर स्टैंडर्ड आवर्स है, जो हमेशा गिवन होता है। अब मान लो कि वर्कर ने टाइम टेकन एक्चुअल में क्या किया, 30 आवर्स वर्क किया, टाइम टेकन इज 30 आवर, और उस वर्कर का एक्चुअल आउटपुट जो है, उस वर्कर का एक्चुअल आउटपुट है, उस वर्कर का एक्चुअल आउटपुट कितना है, 120 यूनिट्स है। उस वर्कर का एक्चुअल आउटपुट 120 यूनिट है। अब अपने को इस वर्कर की क्या करनी है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि उसने कितना इफेक्टिवली वर्क किया। तो अगर जैसे हम लोग एफिशिएंसी रेशियो की बात करें तो क्या तरीका है, अगर हम लोग बात करें तो देखो 3 आवर्स में एक तरीका तो आवर्स बेस्ड है। तो आवर्स बेस्ड अगर अपन जाएँ तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 3 आवर्स में कितनी यूनिट बनती है, 10 यूनिट। तो 1 आवर में कितनी यूनिट बननी चाहिए, 10 डिवाइड बाय 3, और उसने 30 आवर्स वर्क किया, तो 10 डिवाइड बाय 3 × 30 के हिसाब से कितनी यूनिट्स बननी चाहिए थी, 100 यूनिट बननी चाहिए। जबकि उसने जो बनाई वो कितनी यूनिट बनाई, 120 यूनिट बनाई। जबकि उसने कितनी यूनिट्स बनाई, 120 यूनिट्स बनाई। तो अगर अपन 100 यूनिट्स और 120 यूनिट्स को कंपेयर करें तो वी कैन फाइंड आउट एफिशिएंसी। अब आप खुद सोचो कि हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि अगर 3 आवर्स में 10 यूनिट बनती है, इसका मतलब 1 आवर में क्या होता है, 10 बाय 3, तो 30 आवर्स में कितनी, 100 यूनिट बननी चाहिए। अब वर्कर ने एक्चुअल में जो प्रोड्यूस किया वो कितना यूनिट किया, वर्कर ने 120 यूनिट प्रोड्यूस किया। तो इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी 100% से क्या है, ज़्यादा है। और एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा तभी आएगी जब आप 120 डिवाइड बाय 100 × 100 करोगे। तो इस केस में ये एफिशिएंसी रेशियो इस वर्कर की जो आती है वो कितनी आती है, 120% आती है। तो ये जो 120 यूनिट है ये क्या एक्चुअल आउटपुट है, ये जो 120 यूनिट है ये क्या उस वर्कर का एक्चुअल आउटपुट है। जबकि 100 यूनिट्स क्या पता है, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आर। तो आप मुझे बताओ 10 यूनिट्स और 100 यूनिट में क्या डिफरेंस है। 10 यूनिट भी स्टैंडर्ड आउटपुट है और 100 यूनिट भी स्टैंडर्ड आउटपुट है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है। जो समझदार है सोच के देखो, 10 यूनिट स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर स्टैंडर्ड आर्स है। 10 यूनिट इज स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर स्टैंडर्ड आर, जबकि 100 यूनिट इज वॉट, 100 यूनिट इज स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आर्स। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों जो है वो क्या है, कंपेरेटिव है, क्योंकि ये भी जो है वो कितने आर्स का है, 30 आर्स का, और ये भी कितने आर्स का है, 30 आर्स का है। तो अगर एफिशिएंसी रेशो, अगर हम लोग आउटपुट बेस कैलकुलेट करें, तो आउटपुट बेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100, और पूरा लिखे तो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आर्स। और इसी का एक तरीका क्या होता है, हम लोग आर्स बेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आर्स बेस में क्या होगा, अगर मैं इसी को आर्स बेस कैलकुलेट करूँ तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे को आउटपुट को यूज़ करके क्या करना है, आर्स कैलकुलेट करना है। तो गिवन क्या है, 10 यूनिट्स बनाने में 3 आवर्स लगते हैं, इट इज़ गिवन। 10 यूनिट्स बनाने के लिए आपको कितने आवर्स चाहिए, 3 आवर्स चाहिए।
तो वन यूनिट बनाने के लिए 3/10 आर चाहिए, और वर्कर ने 120 यूनिट्स बनाई, तो 120 यूनिट्स बनाने के लिए उसको कितना टाइम अलाउड होगा? 3/10 मल्टीप्लाई बाय 120। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें तो 120 यूनिट बनाने के लिए कितना आवर्स अलाउड है? 36 आवर्स अलाउड है, और वो ही काम उसने कितने आवर्स में कर दिया? 30 आवर्स में कर दिया। तो देखो सीधा सीधा है, क्वेश्चन में गिवन है, इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन में गिवन है कि आउटपुट कितना है? 10 यूनिट। 10 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स अलाउड है? 3 आवर्स है, तो 1 यूनिट बनाने के लिए 3/10 है, तो 120 यूनिट्स बनाने के लिए वर्कर को कितना टाइम लगना चाहिए? 36 आवर लगने चाहिए। 120 यूनिट बनाने के लिए वर्कर को कितना टाइम लगना चाहिए था? 36 आवर लगने चाहिए, जबकि उसने वो काम क्या किया? 30 आवर्स में ही कर दिया। इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या है? ज़्यादा है। अब एफिशिएंसी यहाँ 100 से क्या है? ज़्यादा है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये जो 30 आवर्स है ना, ये क्या है? एक्चुअल आवर्स है, और ये जो 36 आवर्स है वो क्या है? बताएं, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट है। अब जिसकी अक्कल काम कर रही हो, जिसको समझ में आता हो, मुझे बताओ 3 आवर्स, ये जो 3 आवर्स है, ये वाले, ये 3 आवर्स और ये 36 आवर्स में क्या डिफरेंस है? बोथ आर स्टैंडर्ड आवर्स, पर जो 3 आवर्स है वो क्या है बताएं? 3 आवर्स आर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, और ये जो 36 आवर्स है वो क्या है बताएं? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो इस केस में अगर एफिशिएंसी कैलकुलेट करें तो यहाँ एफिशिएंसी 100 से क्या है? ज़्यादा है। अब यहाँ मैं एफिशिएंसी आवर्स बेस कैलकुलेट करूँ तो मैं क्या बोलूँगा? अगर अगर मेरे को एफिशिएंसी 100 से ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा? 36/30 × 100। और अगर हम लोग बात करें तो दिस फॉर्मूला विल गिवन एफिशिएंसी रेशियो इज़ 120%। तो देखो दोनों से एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है? सेम आता है। तो ये बात हम लोगों ने लेबर में भी की थी, ये बात हम लोगों ने लेबर में भी किया था कि अगर आपको एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आउटपुट बेस या आर्ट्स बेस। अगर मैं आउटपुट बेस जाता हूँ तो फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट बेस जाते हैं तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? देखो, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100, और यही एफिशिएंसी रेशियो आर्ट्स बेस जाते हैं तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये रहा देखो, ये रहा, ये 36 जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ये स्टैंडर्ड आर्ट्स था, ये 30 क्या था? एक्चुअल आर्ट्स था। तो स्टैंडर्ड आर्ट्स डिवाइड बाय एक्चुअल आर्ट्स इंटू 100। तो इस फॉर्मूले से बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉजिक यहाँ पे हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं कि इन दोनों से कैलकुलेट किया हुआ एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है? सेम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला जो है वो क्या है? आउटपुट बेस्ड है, और ये वाला फॉर्मूला जो है वो क्या है? आवर्स बेस्ड है। आपको दिख रहे हैं दोनों फॉर्मूले, उसमें से ये फॉर्मूला जो है वो क्या? आउटपुट बेस्ड, और ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है? आवर्स बेस्ड है। तो मैं कॉस्टिंग में अगर चाहूँ कि किसी आउटपुट वाले आउटपुट बेस्ड फॉर्मूले को क्या करना है? आवर्स बेस्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को दो चेंज करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? जहाँ पे एक्चुअल आउटपुट यूज़ हो रहा है ना, जहाँ पे एक्चुअल आउटपुट यूज़ हो रहा है, उस एक्चुअल आउटपुट को मैं एक्चुअल आर्ट से रिप्लेस नहीं कर सकता, पर जहाँ पे एक्चुअल आउटपुट यूज़ हो रहा है, जहाँ पे एक्चुअल आउटपुट यूज़ हो रहा है उसकी जगह मेरे को क्या होगा? स्टैंडर्ड आर यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्चुअल आउटपुट को वी कैन रिप्लेस विद स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, और जहाँ स्टैंडर्ड आउटपुट है, तो जहाँ स्टैंडर्ड आउटपुट है उस स्टैंडर्ड आउटपुट को हमको रिप्लेस किससे करना पड़ेगा? एक्चुअल आर से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कॉस्टिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर यूनिट बेस फॉर्मूले को आर्स बेस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना हो, अगर यूनिट बेस फॉर्मूले को क्या करना हो? आर्स बेस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना हो, तो ये बहुत अच्छा है लॉजिक है समझने के लिए, और बाकी तो नॉर्मल है, समझ में आया तो बढ़िया, नहीं तो ऐसा होता है। तो जहाँ एक्चुअल आउटपुट है मैं वहाँ एक्चुअल आर्स यूज़ नहीं कर सकता, तो एक्चुअल आउटपुट इस फॉर्मूले से प्रूव हो रहा है, देखो कि एक्चुअल आउटपुट को वी कैन रिप्लेस विद स्टैंडर्ड आर, एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड आर्स एंड स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल्स टू एक्चुअल आर्स। तो जहां एक्चुअल आउटपुट है ना उसकी जगह हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। और कैसे निकालते हैं हम लोग स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट? स्टैंडर्ड आर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट, और जहाँ स्टैंडर्ड आउटपुट है वहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? एक्चुअल आर्स यूज़ करना पड़ेगा। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे तो आपके लिए बेटर है। ये बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में कुछ फॉर्मूले आउटपुट बेस्ड है, तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल देते हैं फाइंड आउट फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, फाइंड आउट फिक्स ओवरहेड वेरिएंस बाय यूजिंग आर बेस्ड कॉन्सेप्ट।
तो आपको फिक्स ओवरहेड वेरियंस कैलकुलेट करना है, पर किसको यूज़ करके, आर्स को यूज़ करके कैलकुलेट करना है। तो अगर जैसे अगर हम लोग यहाँ बात करें फिक्स ओवरहेड वेरियंस के फॉर्मूलों को लेके, तो जैसे एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉजिकली ढंग से समझना। अगर हम लोग एक फॉर्म एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे टू इन्फॉर्मेशन वी रिक्वायर्ड, फर्स्ट इज बजट एंड सेकंड इज एक्चुअल। दो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो सबसे पहले जैसे फिक्स ओवरहेड आपको गिवन है 20,000 और 25,000, देन वी रिक्वायर आउटपुट। आउटपुट आपको गिवन है 200 यूनिट्स और 250 यूनिट्स, देन वी रिक्वायर आवर्स। आवर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, आवर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है जैसे 1,000 आवर्स, 1,000 आवर्स, और यहाँ हम लोग ले लेते हैं 1,400 आवर्स। आइडल टाइम भी ले ही लेते हैं, आइडल टाइम सपोज 100 आवर्स और डे 20 एंड 21। ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अब इसको अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हमको बेसिक कैलकुलेशन में क्या चाहिए, आपको बेसिक कैलकुलेशन में चाहिए रिकवरी रेट, रिकवरी रेट पर यूनिट। तो आप 20,000 डिवाइड बाय आउटपुट 200 करोगे, 20,000 डिवाइड बाय 200 करोगे तो आपकी रिकवरी रेट 100 पर यूनिट है। देन यू रिक्वायर रिकवरी रेट पर आर, तो रिकवरी रेट पर आर कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 डिवाइड बाय 1,000, 20 रुपीज़, दिस इज़ पर यूनिट, दिस इज़ पर आर। थर्ड आपको क्या चाहिए, रिकवरी रेट पर डे कैलकुलेट करोगे तो 20,000 बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय 20 करोगे तो 1,000 रुपीज़ पर डे, ये आपकी रिकवरी रेट होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग फर्स्ट सबसे पहले फिक्स ओवरहेड वेरियंस कैलकुलेट करें ना, फिक्स ओवरहेड वेरियंस, तो हम लोग फिक्स ओवरहेड वेरियंस कैलकुलेशन के लिए जो बेसिक फॉर्मूला लेते हैं वो क्या लेते हैं, अगर आपको याद हो तो हम लोग लिखते हैं रिकवर ओवरहेड माइनस क्या करते हैं हम लोग एक्चुअल ओवरहेड। और रिकवर ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करते हो, रिकवर ओवरहेड कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल आउटपुट इन एक्चुअल आउट, कितना ओवरहेड रिकवर होगा जितना एक्चुअल आउटपुट बनेगा, तो 250 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो 250 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 25,000 का ओवरहेड क्या हुआ, रिकवर हुआ, एंड एक्चुअल ओवरहेड इज 25,000। इसका मतलब यहाँ पे अंडर ओवर रिकवरी जीरो आ रही है। अगर मैं एग्जांपल को चेंज करके 20 की जगह यहाँ पे क्या करूँ 30 कर दूँ, तो ये एग्जांपल थोड़ा सा अपन ने चेंज करके 30 कर दिया, तो ये 5,000 की क्या है, ये 5,000 की आपकी अंडर रिकवरी है जो आपके लिए क्या है, एडवर्स है, ठीक है। ये 5,000 आपके लिए क्या हो गया, एडवर्स हो गया। अभी ये जो आपने रिकवरी कैलकुलेट की ना, ये जो रिकवरी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये जो फॉर्मूला है ना ये यूनिट बेस्ड है, ये जो रिकवरी है वो क्या यूनिट बेस्ड है, और मैं इसी को क्या कर सकता हूँ आर्स बेस्ड भी ले सकता हूँ। अब लॉजिकली समझना कि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड रहना, यहाँ पे दिया हुआ है कि 200 यूनिट्स बनाने के लिए अलाउड कितना है, 1,000 आवर्स है। 200 यूनिट के लिए, 200 यूनिट्स बनाने के लिए, दिख रहा है आपको, 200 यूनिट्स बनाने के लिए 1,000 आवर्स अलाउड। इसका मतलब 1 यूनिट को बनाने के लिए 5 आवर्स लगते हैं, 1 यूनिट को बनाने के लिए 5 आवर्स लगते हैं। तो अगर मैं ओवरहेड चार्ज करूं आवर्स बेस पे, यूनिट बेस पे नहीं, अगर मैं ओवरहेड चार्ज करूं आवर्स बेस पे, क्या बोला, देखो साफ दिख रहा है यहाँ पे, 200 यूनिट्स बनाने के लिए 1,000 आवर्स लगते हैं, इसका मतलब 1 यूनिट। अब 1 यूनिट के लिए कैलकुलेट करना तो डिवाइड तो यूनिट से करोगे ना, तो 1 यूनिट को बनाने में 5 आवर्स लगते हैं। अब मैं आवर्स बेस पे ओवरहेड चार्ज करूँ तो मैं एक यूनिट पे कितने आवर्स का ओवरहेड चार्ज करूंगा, 5 आवर्स का। तो मैं इस केस में अगर इसको आवर्स बेस बोलूँ तो एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं, 5 आवर्स लगते हैं, मल्टीप्लाई बाय हम लोग क्या करें आर्ली रेट इस कितनी है, 20 रुपीज़, ठीक है, समझ में आया।
एक यूनिट को बनाने में 5 आवर लगते हैं, अगर वन देखो ना सीधा सा है, 1 यूनिट को बनाने में अगर 5 आवर्स लगते हैं तो आप ओवरहेड भी क्या करोगे, 5 आवर्स का चार्ज करोगे ना, तो 5 आवर्स मल्टीप्लाई बाय आर्ली रेट कितनी आपकी 20 है, तो पर यूनिट कितना, वो 100 ही हुआ ना, ये पर यूनिट वैसे भी यहाँ पे कितने 100 है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 250 यूनिट से, क्योंकि ये तो रिकवरी रेट पर यूनिट भी ना। तो अगर 1 यूनिट को बनाने में 5 आवर्स लगता है तो आर्ली 20 रुपीज़ के हिसाब से आप एक यूनिट पे 20 20 × 5 के हिसाब से 100 चार्ज करोगे ना, तो टोटल यूनिट्स कितनी है, 250 यूनिट्स ही है ना। अब इस ब्रैकेट को अगर मैं ऐसे ही लिखूँ ना, इस ब्रैकेट को मैं इस अगर इस फॉर्मूले को मैं ऐसे ही लिखूँ तो मैं क्या बोलूँगा, ये 250 यूनिट्स है और ये जो है ना ये रिकवरी रेट पर यूनिट है। पर अगर इसी इक्वेशन में, अगर मैं इसी इक्वेशन में ब्रैकेट का प्लेस थोड़ा सा बदल दूं और मैं ऐसा करूं तो क्या होगा बताओ, लिखा वही है, बस मैंने क्या किया इसको ब्रैकेट को यहां पे ले लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर जो समझदार है सोचो, एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं, एक यूनिट को बनाने में अगर 5 आवर्स लगते हैं तो 250 यूनिट्स को बनाने में कितना टाइम लगेगा, 250 × 5, 1250 आवर्स। अब जिसकी अक्कल काम कर रही है वो बताओ ये 1250 आवर्स क्या है, तो ये 1250 आवर्स जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स है, टाइम अलाउड है, स्टैंडर्ड आवर्स, ये पता है स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट है, और 250 यूनिट के लिए टोटल स्टैंडर्ड आवर्स कितने आते हैं, 250 आवर्स आते हैं, तो ये 250 आवर्स जो है वो क्या है पता है, दिस इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, और मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे ना, मल्टीप्लाई बाय 20 जो कि रिकवरी रेट पर आ रहे, तो भी ओवरहेड का रिकवरी 25,000 ही आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझो, कि अगर क्या बोला मैंने, मैंने आपको बोला कि यहाँ जो हम लोगों ने ओवरहेड रिकवर किया वो यूनिट बेस पे रिकवर किया, कि 250 यूनिट से 100 रुपीज़ का रिकवरी रेट है, इसलिए टोटल रिकवरी कितना हुआ, 25,000। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं रिकवरी आउटपुट बेस कैलकुलेट करने के बजाय मुझे रिकवरी को क्या करना है, आर्स बेस कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या बोला कि 1 यूनिट को बनाने के लिए, 1 यूनिट को बनाने के लिए 5 आवर्स लगते हैं, 1000 डिवाइड बाय 200, मतलब 1 यूनिट को बनाने के लिए 5 आवर्स लगते हैं, तो अगर मैं ओवरहेड चार्ज करूं तो कितने आवर्स का चार्ज करूंगा, 5 आवर्स का ही चार्ज करूंगा ना, तो मैंने क्या लिखा, 5 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज़, तो ये क्या हुआ बताओ, ये पर यूनिट हो गया, फिर मैंने इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल रिकवरी आ गया, सही है ना। यहाँ देखो ये 5 × 20 कर रहे हो तो ये 100 आ रहा है, तो ये रिकवरी रेट पर यूनिट ही दे रहा है ना आपको, तो ऐसा लिखेंगे तो ये रिकवरी जो है वो यूनिट बेस्ड है। पर अगर हम लोग इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में, इस कैलकुलेशन में मैं ब्रैकेट का प्लेस क्या करूं, चेंज कर दूं, इस इक्वेशन में मैं यहां पे अगर ब्रैकेट का प्लेस क्या करूं, चेंज कर दूं और ऐसा कर दूं, तो भी इसका आउटकम तो सेम ही आएगा ना। तो 21 यूनिट को बनाने में 5 आवर्स लगते हैं, तो 250 यूनिट्स को बनाने में कितने आवर्स लगेंगे, 1250 आवर्स लगेंगे, और रिकवरी रेट पर आवर कितनी है, 20 है, तो भी आपका टोटल रिकवरी क्या होगा, सेम आएगा। तो ये 1250 इज वॉट, 1250 इज वॉट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो जिसको समझ में आया बहुत बढ़िया, जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और फंडा सिर्फ इतना सा है कि जहाँ पे तुम लोग एक्चुअल आउटपुट यूज़ कर रहे हो ना, वहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आर्स यूज़ करना पड़ेगा, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली आउटपुट बेस फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, जो तुम्हारा आउटपुट बेस फॉर्मूला है वो क्या होगा, आर्स बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये मैं अभी अभी आपको समझा चुका हूँ कि एफिशिएंसी रेशो का फॉर्मूला सबसे बेस्ट वे समझने के लिए, कि यूनिट बेस फॉर्मूले को आर्स बेस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है ना, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे लिए सबसे बेस्ट है, जो हमको बताता है कि कभी भी अगर आपको क्या करना हो, अगर आपको यूनिट बेस फॉर्मूले को आर्स बेस में कन्वर्ट करना है ना, तो आप जहाँ एक्चुअल आउटपुट यूज़ कर रहे हो उसकी जगह गलती से भी एक्चुअल आर्स मत यूज़ कर लेना। तो अगर यूनिट बेस को आर्स बेस पे कन्वर्ट करना है तो बहुत लॉजिकल है कि आपको एक्चुअल आउटपुट की जगह क्या होगा, स्टैंडर्ड आर्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो अगर मैं रिकवर ओवरहेड्स कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं यहाँ पे, मैं इसको आउटपुट बेस भी ले सकता हूँ और
और मैं इसको आवर्स बेस भी ले सकता हूँ। तो आप अपनी बेसिक कैलकुलेशन में एक कैलकुलेशन बढ़ा दो, कौन सी? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर्स क्या निकालना है? आवर्स निकालना है। तो लॉजिकली भी अपन ऐसा बोलते हैं कि आप यूनिट यहाँ लिखो, आवर्स यहाँ लिख दो, तो यूनिट कितनी है? 200 यूनिट बनाने के लिए 1000 आवर्स अलाउड है। 1 यूनिट के लिए 1000 डिवाइड बाई 200 हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 250 यूनिट बनाने के लिए 1000 डिवाइड बाई 200 इंटू 250 कर लो, तो दिस विल गिव यू स्टैंडर्ड आवर्स। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो स्टैंडर्ड आवर्स आएंगे 1250 आवर्स। तो आप अपनी बेसिक कैलकुलेशन में तीन रिकवरी रेट्स को कैलकुलेट करते हो, आप एक कैलकुलेशन और बढ़ा दो, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो जिस जो समझदार हैं सोच के बताओ, ये जो 1000 आवर्स है ना, ये 1000 आवर्स हैं बजटेड आवर्स 200 यूनिट्स के लिए, ये एक्चुअल आवर्स हैं, और ये जो है ना 1250, ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट है। मतलब ये 1000 आवर्स में और 1250 में डिफरेंस क्या है? ये जो 1000 आवर्स ऊपर दिए हुए ना, वो 200 यूनिट्स के लिए, जबकि 1250 जो हैं वो क्या है? 250 यूनिट्स के लिए बजटेड आवर्स हो गए। ठीक है, तो हमारी बेसिक कैलकुलेशन में एक कैलकुलेशन और बढ़ गई। और अब हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप रिकवरी कैलकुलेट करना चाहो तो एक ऑप्शन था आउटपुट बेस्ड और एक ऑप्शन क्या है? आवर्स बेस्ड है। तो आउटपुट बेस्ड ऑप्शन क्या है? एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट। और अगर आर्स बेस जाना है तो जहाँ पे आप एक्चुअल आउटपुट यूज़ कर रहे हो वहाँ पे क्या होगा? स्टैंडर्ड आर्स यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड आर्स मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? रेट पर आर। तो एक्चुअल आउटपुट आउटपुट बेस जाओगे तो आपने 250 यूनिट्स प्रोड्यूस की है और रिकवरी रेट इज़ 100, तो उसके हिसाब से आपका रिकवर ओवर हेड कितना आता है? 25,000। और मैं स्टैंडर्ड आर्स के बेस पे जाऊँ तो स्टैंडर्ड आर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कितना है? 1250 आर्स, एंड रिकवरी रेट पर आर इज 20 रुपीज़। तो 1250 आर्स मल्टीप्लाई बाई 20 रुपीज़ करोगे तो भी रिकवरी क्या होगी? सेम आएगी। तो ऐसा करके हम लोगों ने क्या किया, जो फार्मूला आउटपुट बेस था वो फार्मूला क्या हो गया? आर्स बेस कन्वर्ट हो गया। ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सी बार क्वेश्चन में आपको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फाइंड आउट ऑल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस बाय यूजिंग आर्स बेस फार्मूला। तो आर्स बेस फार्मूला मतलब आउटपुट बेस फार्मूला यूज़ नहीं होना चाहिए आपका उस केस में। फिर उसके बाद हम लोग बात करें, सेकेंड हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंसेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप एक्सपेंस कंपेयर करते हो। तो इस एग्जांपल में एक्सपेंस की बात करूँ तो 20,000 डिवाइड बाय 30,000 करोगे तो योर एक्सपेंस वेरिएंस इज 10,000 एडवर्स। एक्सपेंस वेरिएंस 10,000 क्या है? एडवर्स है। तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका एक्सपेंसेस वेरिएंस हो गया। उसके बाद अगर मैं थर्ड कैलकुलेट करूं, क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग? वॉल्यूम, वॉल्यूम वेरिएंस अगेन इम्पॉर्टेंट है। वॉल्यूम वेरिएंस में अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम वेरिएंस का एक फॉर्मूला आउटपुट बेस्ड है, वॉल्यूम वेरिएंस का एक फॉर्मूला जो है आउटपुट बेस्ड है। तो वॉल्यूम में हम लोग आउटपुट बेस्ड फॉर्मूले में क्या करते हैं? हम लोग आउटपुट कंपेयर करते हैं। तो इस एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें, इस एग्जांपल में हम लोग बात करें तो आउटपुट कितना है? 200 और 250। मतलब हमने सोचा था कि 200 यूनिट्स बनेगी, वॉल्यूम में तो वॉल्यूम ही कंपेयर करोगे ना, तो बजट कितने यूनिट्स का था? 200 यूनिट का, जबकि एक्चुअल में क्या हुआ? 250 यूनिट बनी। तो ये फेवरेबल है आपके लिए, 250 यूनिट्स माइनस 200 यूनिट। तो ये फॉर्मूला क्या आ रहा है वॉल्यूम वेरिएंस में? आउटपुट बेस एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट और मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है? रेट पर यूनिट। तो एक्चुअल आउटपुट इज 250 यूनिट, बजटेड आउटपुट इज 250 यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस किए एंड योर रेट पर यूनिट इज 100। तो इसकी वजह से आपके लिए 5000 क्या हो गया? ये फेवरेबल हो गया। अब यही फॉर्मूला जो यूनिट बेस है ना, इसको हम लोग लॉजिकली क्या कर सकते हैं? आर्स बेस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको जब आप आर्स बेस कन्वर्ट करोगे ना, इस फॉर्मूले को आर्स बेस कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? जहाँ तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट आ रहा है ना, वहाँ आप यूज़ करो स्टैंडर्ड आर्स, और जहाँ बजटेड आउटपुट आ रहा है वी कैन यूज़ बजटेड आर्स, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? रेट पर आर्स से।
तो अगर मैं स्टैंडर्ड आवर्स की बात करूं तो हमने कैलकुलेट किया 1250। बजटेड आवर्स आप क्वेश्चन से देख सकते हो, बजटेड आवर्स कितने, 1000 आवर्स हैं। तो बजटेड आवर्स अगर आपके 1000 आवर्स हैं तो 1250 माइनस 1000, अब ये आवर्स है तो मल्टीप्लाई रेट पर आवर्स ही करोगे ना, और रेट पर आवर आपका कितना है, 20 रुपीज़। तो दिस विल गिव यू सेम फिगर, 5000 फेवरेबल। तो ये जो फॉर्मूला पहले लिखा था ये आउटपुट बेस था, और इसको हम लोगों ने किस पे कन्वर्ट कर दिया, आवर्स बेस पे। तो आउटपुट बेस फॉर्मूले को आवर्स बेस में कन्वर्ट करने का रूल क्या है, सीधा है। एक्चुअल आउटपुट की जगह क्या यूज़ करोगे, स्टैंडर्ड आउटपुट, और बजटेड आउटपुट की जगह क्या यूज़ करना है, बजटेड आर, और स्टैंडर्ड आउटपुट की जगह यूज़ करते हैं एक्चुअल आर्स। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, और समझ में आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा कन्वर्जन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट वेरियंस अगर हम लोग लें, इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम वेरियंस आपके लिए फेवरेबल है। वॉल्यूम के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें तो फोर्थ वेरियंस हमारा आता है कौन सा, कैलेंडर वेरियंस। फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरियंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक लास्ट क्लास में भी मैंने समझाया था कि वॉल्यूम वेरिएंस मतलब ये 250 यूनिट्स हम लोगों ने ज़्यादा प्रोड्यूस किया। तो 250 यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करने का रीज़न क्या है, या तो आपने कम ज़्यादा दिन काम किया, या आपने कम ज़्यादा आवर्स काम किया, या आइडल टाइम, या आपने एफिशिएंसी से ज़्यादा कम काम किया, ये सब मिला के वॉल्यूम का रीज़न बनता है। तो कैलेंडर वेरियंस की अगर अपन बात करें तो कैलेंडर वेरियंस में क्या होगा, डेज कंपेयर करोगे ना, तो 20 के बजाय आपने कितने दिन काम किया, 21 डेज काम किया। तो कैलेंडर वेरिएंस में क्या लिखोगे, 21 माइनस 20 और मल्टीप्लाई बाय पर डे कितना है, 1000 है। अब जो समझदार है इसको आवर्स में, आप इसको आउटपुट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपके लिए क्या है, फेवरेबल है। और अगर हम लोग कैलेंडर के बाद हम लोग बात करें, तो कैलेंडर वेरिएंस के बाद हम लोग बात करें तो हमारा नेक्स्ट वेरिएंस जो आता है वो क्या आता है पता है आपको, कैपेसिटी वेरिएंस। ये ऑलरेडी आवर्स बेस्ड ही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी कैपेसिटी वेरिएंस अगर हम लोग आवर्स बेस कैलकुलेट करते हैं तो लॉजिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग कंपेयर करते हैं एक्चुअल आवर्स को बजटेड आवर्स से। तो अगर आपके एक्चुअल डेज और बजटेड डेज अलग अलग हो तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं पता है, हम लोग लेते हैं रेट पर आर, फिर एक्चुअल आवर्स माइनस क्या करते हैं, बजटेड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड डेज। तो ये पर डे कैपेसिटी होगी, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एक्चुअल डेज से। तो आप क्वेश्चन में चेक करोगे तो यहाँ रिकवरी रेट पर आर कितना है, 20। एक्चुअल आवर्स आइडल टाइम के पहले तो टोटली लेना पड़ेगा, और अगर आप देखोगे तो आपका एक्चुअल आवर्स इस में कितना है, 1400। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, 1400 माइनस अगर मैं करूँ बजटेड आवर्स, तो बजटेड आवर्स कितने हैं, 1000 पर 20 डेज के हैं। अब 1000 कैपेसिटी है काम करने की, 1000 आवर्स कैपेसिटी है 20 डेज की, मतलब पर डे 50 है, तो 21 डेज में कितना होना चाहिए था, 21 डेज में होना चाहिए था 1050, और आपने काम किया 1400 घंटे, 350 फेवरेबल इंटू 20, 7000, ये आपके लिए क्या है, फेवरेबल है। फिर इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, देन वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट सिक्स, क्या कैलकुलेट करना है, आइडल टाइम वेरियंस। तो आइडल टाइम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 100 आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर 20, तो ये 2000 आपके लिए क्या है, 2000 ये आपके लिए क्या है, एडवर्स है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहता है, लास्ट कैलकुलेशन अगर हम लोग बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट है सेवन नंबर पे अगर हम लोग बात करें, लास्ट कैलकुलेशन सेवन्थ, और वो है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। और इसके भी दो फॉर्मूले हैं, एक आउटपुट बेस्ड है और एक क्या है, आवर्स बेस्ड फॉर्मूला है। तो एफिशिएंसी तो बहुत इजी है, अब जब आप एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करते हो आउटपुट बेस एफिशिएंसी रेशो, सॉरी, जब आप एफिशिएंसी रेशो आउटपुट बेस कैलकुलेट करते हो तो आप बेसिक फॉर्मूला क्या यूज़ करते हो, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, यही होता ना। तो और मैं लॉजिकली भी अगर आपको समझाऊं तो एफिशिएंसी का रिलेशन आउटपुट से,
तो हम लोग आउटपुट आउटपुट देखें तो क्या है, लॉजिकली भी अगर हम लोग बात करें तो ऐसा समझ सकते हैं आप लोग कि 200 यूनिट्स बनती है जब आप 1000 आवर्स काम करते हो, मतलब 1 यूनिट को बनाने के लिए 0.2 आवर्स लगते हैं, तो आइडल आपने वर्किंग टोटल मिला के कितना 1300 आवर किया ना, तो मल्टीप्लाई बाय 1300, तो 260 यूनिट बननी चाहिए थी, 260 यूनिट बननी चाहिए। तो एज़ पर बजट एज़ पर स्टैंडर्ड 200 यूनिट बनाने में 1000 आवर लगते हैं, मतलब 1 यूनिट को बनाने में 0.2 आवर लगते हैं, तो 1300 आवर्स कहाँ से आया, 1300, 1400 माइनस 100, काम तो 1300 आवर्स ही हुआ ना, तो 1300 घंटे अगर काम करते हैं तो एज़ पर बजट आपका 260 यूनिट बनना चाहिए, जबकि एक्चुअल में हम लोगों ने यूनिट्स बनाई कितनी है, 250, मतलब हमने को एफिशिएंसी कम काम किया। तो अगर ये एडवर्स है तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 250 माइनस 260 और मल्टीप्लाई क्या करोगे, रेट पर यूनिट, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हमारी रेट पर यूनिट कितनी है, 100 है, 100 है, तो ये आपके लिए 1000 क्या है, एडवर्स है, ये 150 क्या है पता है, एक्चुअल आउटपुट है, और ये 260 क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स है, और ये आपकी क्या है, रेट पर यूनिट है। तो जो लोग समझदार हैं, एफिशिएंसी रेशो का फॉर्मूला बेस्ड ऑन यूनिट, एफिशिएंसी रेशो का फॉर्मूला बेस्ड ऑन यूनिट, हम लोग क्या फॉर्मूला करते हैं, ये फॉर्मूला ये होता है एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, और मैंने उसी को क्या किया, वेरिएंस में कन्वर्ट कर लिया। और अब इस फॉर्मूले को अगर आपको क्या करना है, आवर्स बेस लेना है, इस फॉर्मूले को अगर आपको क्या करना है, आवर्स बेस लेना है, तो सीधा तरीका है आप या तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखो, आवर्स बेस वाला क्या फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी रेशियो बेस्ड ऑन आवर्स, वो उल्टा हो जाता है, यूनिट बेस में एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट होता है, एक्चुअल आउटपुट पहले आता है, स्टैंडर्ड आउटपुट बाद में आता है, और यही फॉर्मूला जब आवर्स बेस जाते हैं तो ये फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड पहले आता है, तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड, क्योंकि आइडल टाइम के बाद कैलकुलेट कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, रिप्लेस कर दिया। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आपको ऐसा बोलता है कि आपको फिक्स ओवरहेड वेरिएंस का कैलकुलेशन आवर्स बेस करना है, तो आप लोग यूनिट बेस्ड फॉर्मूले यूज़ नहीं कर सकते, उसकी जगह आपको आवर्स बेस्ड फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो स्टैंडर्ड आवर्स हमने ऑलरेडी पहले निकाला है, वो है 1250 माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क 1300 है, और रेट पर आर अगर हम लोग बात करें तो 20 है, तो 50 × 20 के हिसाब से ये 1000 आपके लिए क्या है, एडवर्स है। अब आप इसको रिकनसाइल कर सकते हैं ये क्वेश्चन में आपका, तो अगर हम लोग बात करें तो 1000 फेवरेबल है, 7000 फेवरेबल है, 8000 फेवरेबल, और ये 2000 और 1000 3000 क्या एडवर्स है, तो 5000 क्या है, फेवरेबल है। ओके, रिकनसाइल हो रहा है। तो अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, और हम लोग लिख रहे हैं फॉर्मूलाज, किसके फॉर्मूला लिख रहे हैं, हम लोग फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के फॉर्मूलों पे बात कर रहे हैं। तो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में यहाँ क्या लिखेंगे, ओवरहेड, यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड ऑन यूनिट, और यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड ऑन आवर्स। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हो तो आप एक्चुअल आउटपुट की जगह, इम्पॉर्टेंट है, आप एक्चुअल आउटपुट को रिप्लेस करो स्टैंडर्ड आवर्स से, स्टैंडर्ड आउटपुट को रिप्लेस करो एक्चुअल आवर्स से, और ये वैसे भी देखा जाए तो एफिशिएंसी के दो फॉर्मूले हैं, और क्या करोगे, और बजेटेड आउटपुट को वी कैन रिप्लेस विद बजेटेड आर्ट्स, अगर इतना ध्यान रहेगा तो यू कैन इजीली कन्वर्ट आउटपुट बेस्ड फार्मूला टू आर्ट्स बेस्ड फार्मूला इन होल कॉस्टिंग, पूरी कॉस्टिंग में। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस,
और फिक्स ओवरहेड वेरिएंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, रिकवर ओवरहेड्स माइनस क्या करते हो एक्चुअल ओवरहेड्स। यहाँ भी वही होता है, रिकवर ओवरहेड माइनस क्या करना है एक्चुअल ओवरहेड। अब रिकवर ओवरहेड यूनिट बेस जाओगे तो एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट करना पड़ेगा, और वहीं आर्स बेस जाओगे तो एक्चुअल आउटपुट की जगह क्या होगा, स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे ये एक्चुअल आउटपुट है और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड आर्स है। सेकेंड अगर हम लोग बात करें तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस में कोई चेंज नहीं, क्या करना है बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस क्या करना है एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, और यहाँ भी ये फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। थर्ड नंबर आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम वेरिएंस में यूनिट बेस जब जाते हो, वॉल्यूम वेरिएंस में जब आप यूनिट बेस जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम वेरिएंस में जब हम लोग यूनिट बेस जाते हैं तो हम लोग आउटपुट कंपेयर करते हैं, तो फेवरेबल तब होता है जब एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट। और इस फॉर्मूले को आर्स बेस कन्वर्ट करना है तो बहुत इजी है, आपको रेट पर आर यूज़ करना पड़ेगा, बजटेड आउटपुट की जगह वी कैन यूज स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, वेरी गुड, माइनस बजटेड आर, तो ये आपको सेम रिजल्ट देगा। देन वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट व्हाट फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, और कैलेंडर वेरिएंस में हम लोग क्या करते हैं, कैलेंडर वेरिएंस में हम लोग डेज कैलकुलेट करते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई भी रेट पर डे से होगा, और क्या बोलोगे एक्चुअल डेज माइनस क्या करना है बजटेड डेज, ठीक है। और यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और अब हम लोग बात करें तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं कैपेसिटी वेरिएंस। अब कैपेसिटी वेरिएंस का क्या फंडा है, कैपेसिटी वेरिएंस ऑलरेडी क्या आर्स बेस्ड ही है, तो क्या करोगे रेट पर आर और एक्चुअल आर्स माइनस क्या करेंगे, बजटेड आर्स डिवाइड बाय बजटेड डेज मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल डेज। और इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर आपके एक्चुअल डेज और बजटेड डेज बराबर हो तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्चुअल आर्स माइनस बजटेड आर्स, और ये फॉर्मूला ऑलरेडी आर्स बेस्ड ही है इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेवेंथ आइडल टाइम वेरिएंस। तो आइडल टाइम वेरिएंस में क्या होता है, रेट पर आर मल्टीप्लाई बाय क्या करना है आइडल टाइम आर्स, ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, दिस विल रिमेन सेम। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आता है एफिशिएंसी, और ये उन लोगों के लिए बहुत इजी है एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसको एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है। तो एफिशिएंसी वेरिएंस का आउटपुट बेस फॉर्मूला क्या होता है, रेट पर यूनिट, और हम लोग कंपेयर करते हैं एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आर्स। और अगर किसी को याद हो तो स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्टैंडर्ड आउटपुट आप कैलकुलेट कर सकते हो बजटेड आउटपुट डिवाइड बाय बजटेड आर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर्स वर्क। और इसी को अगर हमको आर्स बेस जाना है तो रेट पर आर और एक्चुअल आउटपुट की जगह क्या होगा, स्टैंडर्ड आर और स्टैंडर्ड आउटपुट की जगह एक्चुअल आर्स वर्क, और स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना है तो बजटेड आर्स डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट कर सकते हो। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो
ये फॉर्मूलाज है जो हमको क्या होगा यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप देखो तो चेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं, एक फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में चेंज होता है, एक वॉल्यूम में चेंज होता है और एक एफिशिएंसी में चेंज होता है, बाकी सेम है। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो यूनिट बेस और आर्स बेस की क्या है मिक्सचर है, और ये प्योरली जो है वो सारे फॉर्मूले क्या हैं आर्स बेस्ड हैं। तो कुछ नहीं बोले तो आप ऐसा कर सकते हो, पर क्वेश्चन अगर बोलता है स्पेसिफिकली आर्स बेस फॉर्मूले यूज़ करने तो आपको आर्स बेस ही फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। समझ में आप? एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जितना प्रैक्टिस है उतना बेटर है आपके लिए। एग्जाम्पल में बजट और एक्चुअल आपको फिक्स ओवरहेड बजटेड गिवन है 50,000 एंड एक्चुअल इज 75,000, आउटपुट 5,000 यूनिट्स एंड 4,000 यूनिट्स, आवर्स 1,000 आवर्स और 1,200 आवर्स, और ठीक है अगर मैं यहाँ पे कैलेंडर और आइडल टाइम नहीं लिखूँ तो कैलेंडर वेरिएंस और आइडल टाइम वेरिएंस कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में हम लोग बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, और फिक्स ओवरहेड वेरिएंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, रिकवर ओवरहेड माइनस क्या करना है एक्चुअल ओवरहेड्स। और ये कैलकुलेशन आप क्या कर सकते हो, रिकवर ओवरहेड का जो कैलकुलेशन है ना वो आउटपुट बेस भी हो सकता है आर्स बेस भी हो सकता है। अगर आउटपुट बेस जाओगे तो एक्चुअल आउटपुट इंटू रेट पर यूनिट करना पड़ेगा, और आर्स बेस जाओगे तो स्टैंडर्ड आर्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर करना पड़ेगा। तो बेटर रहता है कि आप दो तीन बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे ले ही लो, रिकवरी रेट पर यूनिट, रिकवरी रेट पर आर, रिकवरी रेट पर डे और साथ में स्टैंडर्ड आर्स, और एक और कैलकुलेशन आप ले सकते हो स्टैंडर्ड आउटपुट। तो रिकवरी रेट पर यूनिट कैलकुलेट करोगे तो 50,000 डिवाइड बाय 5,000 कितना 10 रुपीज़ पर आर, कैलकुलेट करोगे तो 50 रुपीज़ पर डे की ज़रूरत ही नहीं है। और लॉजिकली अपन स्टैंडर्ड आर्स कैलकुलेट करें, आर्स आर्स निकालना है तो आप यूनिट इधर रखो आर्स इधर रखो तो हम लोग क्या बोलेंगे, 5,000 यूनिट्स बनाने में 1,000 आर्स लगते हैं, तो 1 में क्या हो गया 1,000 डिवाइड बाय 5,000, तो 4,000 यूनिट बनाने में 1,000 डिवाइड बाय 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4,000, दिस विल गिव यू लॉजिकली स्टैंडर्ड आर्स। तो 1,000 डिवाइड बाय 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4,000 करोगे तो 800 आर्स। ये 800 आर्स आपके लिए क्या है, स्टैंडर्ड आर्स है। और ऐसे अगर मैं स्टैंडर्ड आउटपुट लॉजिकली कैलकुलेट करूँ, आउटपुट निकालना है, ये रिकवरी रेट हो गई, ये स्टैंडर्ड आर हो गया, स्टैंडर्ड आउटपुट कैलकुलेट करना है तो लॉजिक बोलता है आर्स इधर रखो आउटपुट इधर रखो, आर्स कितने देखो 1,000 आर्स हैं कितनी यूनिट के लिए, 5,000 के लिए, 1 के लिए क्या हो गया 5,000 डिवाइड बाय 1,000, और 1,200 आर्स में कितनी यूनिट बननी चाहिए 5,000 डिवाइड बाय 1,000 मल्टीप्लाई बाय 1,200, तो ये आ रहा है 6,000 यूनिट। तो योर स्टैंडर्ड आउटपुट लॉजिकली योर स्टैंडर्ड आउटपुट इज 6,000 यूनिट, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आर 6,000 यूनिट। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले कैलकुलेट किया फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, फिर उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो एक्सपेंस वेरिएंस। तो एक्सपेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 50,000 माइनस 75,000 इसका मतलब 25,000 आपके लिए क्या हो गया एडवर्स हो गया। फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम वेरिएंस, तो वॉल्यूम वेरिएंस आप आउटपुट बेस भी निकाल सकते हो और आर्स बेस भी निकाल सकते हो। क्या होगा वॉल्यूम वेरिएंस अगर आउटपुट बेस कैलकुलेट करोगे तो,
आउटपुट बेस और आवर्स बेस, आउटपुट में आउटपुट कंपेयर करना है। तो 4000 यूनिट बनी है जबकि बजट 5000 यूनिट का था, तो 1000 यूनिट्स क्या हुई, कम बनी। तो 1000 यूनिट कम बनी, इसका मतलब रिकवरी भी क्या हुई, कम हुई। रिकवरी रेट पर यूनिट 10 है, तो यहाँ पे 10000 आपके लिए क्या हो गया, एडवर्स हो गया। तो आपने आउटपुट बेस फार्मूला क्या लिया, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट। अब आर्स बेस फार्मूला लोगे तो एक्चुअल आउटपुट की जगह स्टैंडर्ड आर्स हो जाएगा, और बजटेड आउटपुट की जगह बजटेड आर्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर लेना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें तो स्टैंडर्ड आर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 800 आर्स है, स्टैंडर्ड आर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 800, और बजटेड आर्स कितना है देखो, 1000 मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर। रेट पर आर कितना है, 50 है, तो दिस विल गिव यू सेम आंसर, 10000 क्या है, एडवर्स है। ठीक है, और वॉल्यूम के बेसिकली फोर पार्ट्स हैं, तो डेज यहाँ है नहीं तो कैलेंडर निकलेगा, आइडल टाइम निकलेगा नहीं, और उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है कैपेसिटी वेरिएंस। ये ऑलरेडी आवर्स बेस्ड ही है, क्या होता है कैपेसिटी में आवर्स कंपेयर करते हैं ना, यहाँ डेज नहीं है, तो इसका मतलब बजटेड डेज और एक्चुअल डेज क्या है, सेम है। तो कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला अगर देखें लॉजिकली, तो रेट पर आर और एक्चुअल आवर्स माइनस क्या करते हैं, बजटेड आवर्स। तो रेट पर आर कितना है आपका, 50, एक्चुअल आवर्स 12000 माइनस बजटेड आवर 1000, 200 आवर्स ज़्यादा काम किया इंटू 50 के हिसाब से 10000 क्या है, फेवरेबल है। और लास्ट अगर हम लोग बात करें एफिशिएंसी वेरिएंस, तो एफिशिएंसी वेरिएंस लॉजिकली फिर बात करें तो क्या होता है, एफिशिएंसी मतलब आउटपुट होता है। तो 5000 यूनिट बनाने में 1000 घंटे लगते हैं, तो 1200 घंटों में 6000 यूनिट बननी चाहिए, जबकि बनी कितनी है, 4000, नेगेटिव है। तो लॉजिकली क्या लिखेंगे, 4000 माइनस 6000 मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट कितना था, 10, इसका मतलब ये आपका 20000 क्या है, एडवर्स है। तो फॉर्मूला क्या लिया हम लोगों ने, रेट पर यूनिट, ये 4000 क्या है एक्चुअल आउटपुट, और 6000 जो है वो क्या है, क्या है 6000 स्टैंडर्ड आउटपुट। और यही फॉर्मूला अगर आप आर्स बेस जाना चाहो तो रेट पर यूनिट, एक्चुअल आउटपुट की जगह स्टैंडर्ड आर, और स्टैंडर्ड आउटपुट की जगह एक्चुअल आर्स। तो रेट पर यूनिट नहीं, रेट पर आर। रेट पर आर कितनी है देखो, रेट पर आर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो रेट पर आर 50 है, ठीक है। स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कैलकुलेट किया था 800, माइनस माइनस क्या करोगे, माइनस क्या करोगे, स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं, एक्चुअल आर्स कितना है, 1200। तो ये आपको सेम आंसर देगा, 20000 एडवर्स। देखो जो और थोड़ा लॉजिकल समझना चाहे ना, एक ही बात है। अब इस फॉर्मूले में ठीक है, और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, मैथमेटिकली दोनों एक ही बात है। देखो यहाँ पे तुमने क्या किया, 10 मल्टीप्लाई बाय 2000, और ये 50 मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है, 50 मल्टीप्लाई बाय 400, ये यूनिट्स हैं और ये क्या है, आर्स है। और यहाँ साफ पता चल रहा है कि 1 यूनिट को बनाने में क्या होता है, 5 आवर्स लगते हैं। एक यूनिट को देखो ना, 1 यूनिट को बनाने में 5 आवर्स नहीं, 1 यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं, तो 1000 डिवाइड बाय 5000, 0.2 आवर। तो मेरे को 1 यूनिट को रिप्लेस करना है तो मैं 0.2 आवर लिख सकता हूँ ना, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.2 आवर्स ही हुआ ना। देखो ना यहाँ पे, एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं वही तो देखने हैं, तो 1000
आवर्स डिवाइड बाय यूनिट, पर यूनिट निकालना है तो डिवाइड यूनिट से करेंगे 0.2, तो वन यूनिट इज इक्वल टू 0.2 आर, एक यूनिट को बनाने में 0.2 आर लगता है, तो जहाँ वन यूनिट है मैं वहाँ 0.2 आर लिख सकता हूँ, और जहाँ 0.2 आर्स है मैं वन यूनिट लिख सकता हूँ। तो यहाँ हुआ क्या है कि जहाँ पे 2000 यूनिट्स था ना, तो ये 400 जो आया वो क्या आया, 400 क्या आया, ये 400 कैसे आया, 2000 यूनिट्स इंटू 0.20 आर, तो 2000 यूनिट, एक यूनिट की जगह जब 0.20 आर लिख सकते हो, तो 2000 की जगह 0.20 करके 400 आर ही आएगा ना। समझ में आया? और या ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ कि ये 50 रुपीज़ जो है ना, ये 50 रुपीज़ जो है वो आपकी रिकवरी रेट पर आर है। तो आप उसको मैथमेटिकली, या तो ये ठीक है जैसा अपन समझ रहे हैं कि 20 यूनिट्स हैं एंड वन यूनिट इक्वल्स टू 0.2 आर, एक यूनिट को बनाने में 0.2 आर लगता है, तो ये 400 आर्स कैसे आए, 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 0.20, तो ये 400 आर्स हो गया, और मल्टी आर्ली रेट 50 आपका। समझ में आया? तो ये उन लोगों के लिए इजी है जो या तो लॉजिकली ये समझ जाएं, या कैसे भी ये समझ जाएं कि आप लोग तीन रिप्लेसमेंट कर सकते हो, एक्चुअल आउटपुट की जगह वी कैन यूज स्टैंडर्ड आर्स, स्टैंडर्ड आउटपुट की जगह वी कैन यूज एक्चुअल आर, ये तो एफिशिएंसी के फॉर्मूले से भी प्रूव होता है, और बजटेड आउटपुट की जगह वी कैन यूज बजटेड आर्स। तो अगर इन तीनों आउटपुट की जगह अगर ये आर्स रिप्लेस करोगे तो आपका यूनिट बेस फॉर्मूला क्या होगा, आर्स बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया?